हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप गूगल पे यूज करते हैं और ऐसे में आपके पास एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है गूगल पे में, ठीक है, जैसे कि किस तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है जैसे कि जो आपका फ़ोन नंबर है वो वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके का वेरिफिकेशन है और किस तरीके से हमें ये करना होगा, चलिए जान लेते हैं। हम वेरिफिकेशन पर सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर OTP डालने के लिए ऑप्शन आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर उसी में है तो ये ऑटोमेटो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक न्यू टास्क, जैसे कि सेटअप, यानी कि अपना फास्ट पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करने के लिए आपको ऐड कार्ड पर सिंपली क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर कौन कौन सा कार्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका ATM कार्ड है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक स्कैन करने के लिए आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद में CVV पिन डालने के लिए बोला जाएगा और डेट एक्सपायरी वगैरह, ठीक है। तो बेसिक सी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है और जो आपका कार्ड है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आप गूगल पे से फास्ट पेमेंट कर सकते हैं। फास्ट पेमेंट का मतलब होता है कि आप वहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उन्हीं ऑप्शंस को सिंपली क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको वहां पर पिन डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ फास्ट पेमेंट के यहां पर कुछ फ़ायदे होते हैं और इन जगह से आप यहां पर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर फास्ट पेमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है तो आप इसे वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, इससे आपके अकाउंट पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि ये क्या हमारा गूगल पे बंद हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये गूगल पे बंद वगैरह नहीं होगा, ठीक है। बस ये सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, जब भी कोई भी अगर एप्लीकेशन है उसके अंदर कुछ भी बदलाव किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अपडेट वगैरह आता है तब आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि मोबाइल का ही अपडेट आता है तब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे बेहिचक और आप बिना डरे आप उसे वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। और आपकी कोई भी परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।